Hello students, children, today we will learn how can we separate a mixture containing solid and liquid as a component. For example, I have two mixtures. First is water plus sand solution. Okay, it is an example of heterogeneous mixture. And second mixture which I have, that salt plus water. Okay. Now, in both the liquids, both the mixtures, liquid is water, okay, and the another component is solid in state. But in this one, that solid sodium chloride, it is completely soluble in water. As you can see that it seems to be a homogeneous mixture. It is an example of homogeneous mixture. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, दैट सैंड इज नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर. इट मीन्स बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स हैविंग सॉलिड एंड लिक्विड कॉम्पोनेंट, बट वन इन दिस वन द सॉल्यूट इज सॉल्युबल एंड इन दिस वन सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो बेसिकली वी कैन नॉट अप्लाई सेम सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द बोथ मिक्सचर्स. हम एक ही सेपरेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ईजीली सेपरेट सैंड फ्रॉम दिस वाटर बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक, बट इफ आई फिल्टर दैट सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन, आई एम नॉट एबल टू डू दिस वन. क्लियर? सो द कंक्लूजन ऑफ बोथ द सैम्पल्स इज दैट वी कैन नॉट अप्लाई द सेम सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट ऑल काइंड्स ऑफ मिक्सचर हैविंग सॉलिड एंड लिक्विड. सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू कंसिडर टू डिसाइड द सेपरेशन टेक्निक इज दैट वन, वेदर द सॉलिड इज सॉल्युबल और इट इज इनसॉल्युबल. ओके, if the solid is insoluble, solid means because here solid behaves like a solute. Okay, if solute is insoluble, then second thing what we have to consider is that whether the solute particles are big in size or they are small in size. Second hame jo point consider karna hoga किसी भी सेपरेशन टेक्निक को डिसाइड करने के लिए, वो क्या होगा कि वेदर द सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो काफी बड़े हैं या सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं. ओके, इफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर इनफ बिग इन साइज. ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें सैंड प्लस वाटर के अंदर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इतनी बड़ी साइज के हैं कि सैंड इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. ओके, so to separate these types of mixture we can just use first separation technique, and that separation technique is filtration. Okay, so filtration can be applied to separate the components from a given mixture. First point, if they are having solid plus liquid component, यानी जो दो component हैं वो एक तो solid state में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, liquid state में. सेकेंड पॉइंट, दैट सॉलिड इज मस्ट बी इनसॉल्युबल. सॉलिड जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी जो मिक्सचर है वो हमेशा हेट्रोजीनियस नेचर का होगा. मिक्सचर हमेशा हेट्रोजीनियस नेचर का होगा. थर्ड वन, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो इनफ बिग होने चाहिए, मीन्स उनकी साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाए. ओके, सो इफ दीज थ्री पॉइंट्स, इफ दीज थ्री कंडीशंस आर एप्लीकेबल फॉर अ गिवन मिक्सचर, then we can use first is filtration technique. Now what is the process of filtration technique? Filtration technique use करने के लिए we use a filter paper, okay, to filter that given mixture. When we filter the given mixture, for example, अगर मैं इसमें sand plus water का जो mixture है इसको मैं filter paper से filter करूँगी, then what will happen? The sand particles, they are not allowed to pass through filter paper. जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज इतनी बड़ी है कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे. सो द सैंड विच रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज रेजिड्यू. तो जो फिल्टर पेपर पे हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज रेजिड्यू. ओके, वेयर एज क्लियर लिक्विड इट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, जो वाटर है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. ओके, यानी फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करने पे हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, फर्स्ट इज रेजिड्यू एंड सेकेंड वन इज फिल्ट्रेट.
Now let us discuss some of the examples in which we can use filtration technique. The most common example which we have already discussed, that sand plus water. Agar sand aur water ki mixture ko hume separate karna hai, then we can separate it easily by filtration technique. Second example, chalk plus water. Okay, and even we can separate iron from water by filtration technique. Sulfur plus water, because sulfur is insoluble in water. तो अगर सल्फर के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी बड़ी साइज के हैं तो उस कंडीशन में भी हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन टेक्निक वी यूज इन आर डेली लाइफ ऑल्सो टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी. ओके, टी लीव्स फ्रॉम टी वी यूज दैट फिल्ट्रेशन टेक्निक. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन विच वी कैन यूज फिल्ट्रेशन टेक्निक टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गिवन मिक्सचर. Okay, now sedimentation. Sedimentation is the another form of filtration technique. For example, in this sand plus water solution, as you can see that sand is settled down at the bottom of this glass, and we have almost clear, not clear, but transparent liquid that is on the, still on the top, because where the fine sand particles are still present in this one, so it is not clear transparent. ओवरऑल अगर हम देखें तो वाटर जो है वो टॉप लेयर की तरह सेटल हो गया और नीचे जो है डेंसर पार्टिकल्स, बिगर सैंड पार्टिकल्स, दे आर सेटल डाउन. सो व्हाट वी कैन डू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन प्रोसेस में बेसिकली जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, अगर हम किसी भी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. एंड इन द सेम वे the decantation means now I can separate both the components by decantation process also. How? If I just pour this liquid in another beaker, अगर मैं इस liquid को किसी another beaker में transfer करूँ तो मुझे नीचे की side sand मिल जाएगी जो separate हो जाएगी और water हम अलग किसी beaker में collect कर सकते हैं. So we can use the three techniques, filtration, sedimentation and decantation, to separate solid solute from a liquid one. But conditions are, solid is insoluble, second is particle size should be enough big. Okay, but now just think about the another condition. If the solute particles are not enough big, agar solute ke particles jo hain wo bahut zyada bade nahi hain, for example in milk, okay, it is a mixture of two liquids, we all of know. But if we want to separate the solid proteins, means cream, agar hame milk se cream ko separate karna hai, we can't separate cream from milk by filtration. Kyunki jab hum filter karte hain to kya hai, cream bhi uske saath mein filter paper se jo hai wo as a filtrate ki tarah bahar nikal jati hai. Similarly, if we want to separate blood cells, means RBCs, WBCs from blood plasma, जो कि बहुत ही एक कॉमन टेस्ट है, RBC count, WBC count, जब आप कभी भी बीमार होते हैं तो आप सिंपली ये टेस्ट करवाते हैं. तो लेबोरेटरी के अंदर इस टेस्ट में क्या होता है कि WBC को 1 ml से सेपरेट किया जाता है, 1 ml ब्लड में से सेपरेट किया जाता है और उनको फिर काउंट करते हैं. द नंबर ऑफ RBCs आर काउंटेड देन, just to identify that whether the number of RBCs are not decreases above required amount. Okay, so we cannot separate these types of mixture by the filtration. The reason is only that the size of blood cells are enough, small in size. Similarly, jo milk mein solid proteins to present hai wo bhi itni small size ke hai ki wo filter paper se as a filtrate bahar nikal jate hain. Okay, so to separate these types of mixtures we use centrifugation technique. We use centrifugation. Now as its name indicates, centrifugation means when we rotate a given mixture at very high speed. अगर हम किसी भी solid liquid के mixture को बहुत high speed पर अगर हम rotate करेंगे तो उस condition में क्या होगा कि जो solid heavier particles हैं, मीन्स हैवियर पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी तो सेटल डाउन नहीं हो रहे, बट हैवियर पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब और बॉटम ऑफ द कंटेनर.
whereas lighter particles they stay at the top. Okay, again just listen this word, these words, that centrifugation technique is used to separate, okay, one component from the liquid one if the particles of solute are very small in size. अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो साइज में बहुत छोटे हैं तो उस कंडीशन में हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते. ओके, अगर अपन फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते तो उसका जो रिप्लेसमेंट है, सेकेंड टेक्निक, जो बेस्ट टेक्निक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट व्हेन वी रोटेट अ गिवन मिक्सचर एट वेरी हाई स्पीड, सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेशन, due to centrifugal force of rotation, heavier particles they settle down at the test tube or beaker or container, and whereas lighter particles they remain at the top. Now just consider some of the basic examples of centrifugation technique is that one. First is cream from butter. Agar hame क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना है. सेकेंड इज बटर फ्रॉम कर्ड. ओके, मक्खन निकालते हैं प्रोटीन में. नेक्स्ट इज ब्लड सैंपल टेस्ट. ब्लड सैंपल टेस्ट के अंदर भी जो है ये टेक्निक यूज होती है. सिमिलरली फॉरेंसिक मेडिसिन में, फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर यूरिन एंड ब्लड सैंपल मीन्स यूरिन टेस्ट के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज होती है. फॉरेंसिक मेडिसिन और इन जनरल मेडिसिन में भी यूरिन सैंपल टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हम यूज करते हैं. एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट टू स्क्वीज आउट वाटर, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, यानी गीले कपड़ों में से अगर पानी को सेपरेट करना है देन वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इन वॉशिंग मशीन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स इन विच वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. फर्स्ट इज क्रीम फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम कर्ड, ब्लड सैंपल टेस्ट, यूरिन सैंपल टेस्ट, ड्रग्स इन ब्लड, एज वेल एज टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स. और इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये भी है कि जब हम किसी भी मीन्स वी परचेज स्किम्ड मिल्क ऑल्सो, हम मार्केट में जो स्किम्ड मिल्क खरीदते हैं, जो हम टोन्ड मिल्क खरीदते हैं, एक्चुअली दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. वो मिल्क एक्चुअली क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से प्रोसेस्ड क्या होता है, प्रोसेस्ड मीन्स उसमें से क्रीम और बटर को जो है क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं. ओके, सो दैट मिल्क दैट इज रिमेन एज अ फिल्ट्रेट, जो नीचे की साइड आपको मिलेगा, यानी जो ऊपर क्रीम तो लाइट होती है फ्लोट कर जाएगी, जो नीचे की साइड होगा दैट इज द स्किम्ड मिल्क. ओके, सो स्किम्ड मिल्क, टोन मिल्क, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स द कॉम्पोनेंट विच वी गेट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन, इफ सॉलिड इज सॉल्यूबल इन लिक्विड. अब ऐसा भी तो होता है, जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल देखा कि सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट वी कैन टेक शुगर दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. ओके, सल्फर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर सॉल्युबल इन वेरियस सॉल्वेंट ऑल्सो. तो उस कंडीशन में वी कैन नॉट यूज सेंट्रीफ्यूगेशन, वी कांट यूज फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन. सो द सेकेंड स्टेप which we have to consider that which technique is best suited, that is if two or more solids soluble in same solvent. अगर आपको दो या दो से ज़्यादा solids दे दिए जाते हैं और वो किसी एक same solvent के अंदर soluble है, for example various colors, I have various colors pen in my hand and various color of ink that may be soluble in water, means एक same solvent है water और कलर्स मेरे पास डिफरेंट है, सो दीज आर द डिफरेंट सॉलिड कॉम्पोनेंट्स. उस कंडीशन में वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, मीन्स इफ टू और मोर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट. कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास कि जो सॉल्वेंट है वो सेम होना चाहिए.
सॉलिड डिफरेंट हो सकते हैं बट वो सभी सॉलिड्स जो है वो एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने चाहिए. देन वी यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. बेसिकली व्हाट वी डू इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट वी टेक अ क्रोमेटोग्राफी पेपर. हम एक सिंपल क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं. क्रोमेटोग्राफी पेपर की जगह अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को हम घर पे भी करना चाहें देन वी कैन टेक फिल्टर पेपर ऑल्सो. ओके, फिल्टर पेपर लेने के बाद में उसकी एक स्ट्रिप ली जाती है, यानी क्रोमेटोग्राफी पेपर की हम एक स्ट्रिप लेते हैं. ओके, आई होप इट इज़ विजिबल. वी टेक वन स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर. अब उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, वी ड्रॉ अ सिंपल लाइन ओवर इट with the help of pencil. We can't use pen because the ink of the pen would be soluble in water. Okay, तो एक pencil से line draw करी. अब एक drop यहाँ ink की डाल दी जाती है which contains various colors. Clear? Now we set this filter paper or chromatography paper, whatever you have, in a glass or in a beaker with the help of one stick. एक stick की help से हमने इसको ऐसे क्रोमेटोग्राफी पेपर को इस तरीके से हैंग कर दिया. क्लियर? नाउ द सॉल्वेंट मस्ट बी फिल्ड इन दिस वन. इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. सॉल्वेंट इस तरीके से इसका अमाउंट इतना होना चाहिए कि ये जो आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर है ये सिर्फ इसको टच करे. मीन्स इट शुड नॉट डिप इन द सॉल्वेंट. जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक. ओके, वी हैव मेनी मोर टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बट दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक. सो व्हेन वी कीप अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम डेज, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब का कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, देन व्हाट हैपन दैट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन मीन्स एड्सॉर्प्शन. द बेसिक प्रिंसिपल इज एड्सॉर्प्शन. ओके, एड्सॉर्प्शन के कारण जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ राइज करेंगे. राइट, जैसे जैसे वाटर पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे एट लास्ट व्हेन दे टच द दिस ड्रॉप ऑफ इंक, जब वो इस ड्रॉप को टच करेंगे तो इस इंक में जितने भी डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल है, वो डिजॉल्व हो जाएंगे. क्लियर? डिजोल्यूशन ऑफ द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस इंक स्टार्ट्स. ओके, बट द सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस ड्रॉप ऑफ इंक इट कंटेन्स रेड कलर. जस्ट इमेजिन रेड देन येलो एंड ग्रीन. अब इन तीनों कलर्स की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो डिफरेंट है. डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के कारण इफ रेड कलर इज मोस्ट सॉल्युबल, इफ रेड कलर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मिनिमम. जस्ट इमेजिन कि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है, तो क्या होगा, एट लास्ट रेड कलर जो है वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सबसे मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा. रेड कलर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा. देन सेकेंड वी विल गेट अ रिंग ऑफ येलो कलर. सेकेंड नंबर पे हमें जो रिंग मिलेगी वो मिलेगी येलो कलर की. एंड एट द लास्ट मीन्स जस्ट बॉटम ऑफ दिस लाइन वी गेट ग्रीन कलर इंक. हमें सबसे लास्ट में क्या होगा, ग्रीन कलर की एक रिंग मिलेगी. नाउ रीजन, द रीजन इज एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. जो सॉल्यूट जितने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट है. ओके, सो वी गेट द थ्री और फोर सेपरेट रिंग्स ऑफ ईच कलर. ओके, देन वी हैव टू अलाउ दैट फिल्टर पेपर टू बी ड्राई. इसको इस एपरेटस में से निकाल लिया जाता है और क्रोमेटोग्राफी पेपर और फिल्टर पेपर जो भी आपने लिया है उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं और देन वी कैन सेपरेट दिस इंक फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी पेपर एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी. सो द बेसिक यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टू सेपरेट वेरियस कलर्स फ्रॉम गिवन इंक. ओके, इंक में से अगर आपको वेरियस कलर सेपरेट करने हैं देन वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी. सेकेंड वन पिगमेंट्स. सेकेंड इज पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल डाई.
अगर कोई भी नेचुरल डाई है उसमें आपको पिगमेंट सेपरेट करने, देन वी कैन यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन दैट इफ लिक्विड इज वॉलेटाइल, इट मे बी पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर की ही बात करते हैं, तो वाटर इज वॉलेटाइल एंड सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट, इट इज नॉट वॉलेटाइल. तो अगर लिक्विड वॉलेटाइल है, ओके, देन वी कैन यूज अनादर टेक्निक. इफ लिक्विड इज वॉलेटाइल देन वी कैन यूज इवेपोरेशन टेक्निक. इवेपोरेशन टेक्निक, ओके. अगर मेरे को नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल एंड लिक्विड इज वॉलेटाइल, ओके, एंड लिक्विड इज वॉलेटाइल, सो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज अनादर सेपरेशन टेक्निक दैट इज इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन. मीन्स वी कैन यूज बोथ द टेक्निक्स, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, टू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्यूबल सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड एंड लिक्विड इज वॉलेटाइल. अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है तो हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, उसकी कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज डिस्टिलेशन. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब हमें पता है कि सॉलिड तो जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. लिक्विड इज वॉलेटाइल, बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस कि वी डू नॉट रिक्वायर बैक वी डू नॉट रिक्वायर ऑब्टेन लिक्विड. मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड. लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और हमें उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिकलेक्ट दैट लिक्विड. सो इन दैट कंडीशन वी यूज इवेपोरेशन टेक्निक. अगर हमें लिक्विड कॉम्पोनेंट को रिकलेक्ट नहीं करना है, उसको वापस ऑब्टेन नहीं करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, इवेपोरेशन. बट अगर लिक्विड कॉम्पोनेंट भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको वापस रीऑब्टेन करना है, देन इन दैट कंडीशन वी मस्ट यूज डिस्टिलेशन टेक्निक. ओके, सो डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन, दीज टू टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल नॉन वॉलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वॉलेटाइल लिक्विड. ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज नेचुरल प्रोसेस. ओके, सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड कि वी आर नॉट एबल टू रीऑब्टेन वाटर. मीन्स जो सी वाटर का इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, तो उस इवेपोरेशन प्रोसेस में जो नेचुरल फिनोमिना है, इवेपोरेशन प्रोसेस में हमें वाटर वापस ऑब्टेन नहीं होता है. ओके, वाटर जस्ट मिक्सेस इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड वी गेट ओनली सॉल्ट. बट इन सम कंडीशंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट वी रिक्वायर द लिक्विड कॉम्पोनेंट अगेन. एग्जाम्पल सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड. ओके, सल्फर इज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड and it dissolve in carbon disulfide also. So we can separate this mixture by distillation process, as well as if we want to recover water again from salt, then it can also be separated by distillation process. Okay, these two components, these two liquids are volatile, so they will convert into vapor, and these vapors are again condensed back and can be separated, can be collected in another beaker. ये दोनों liquids जो है carbon disulfide और water, ये दोनों volatile liquids हैं. जब हम distillation process में mixture को heat करते हैं, तो उस condition में इन दोनों के vapors form होते हैं और इन vapors को एक separate beaker में हम collect कर लेते हैं. So now we have discussed these two techniques, these three techniques. First is chromatography, in which we can separate two or more than two solids dissolve in liquid, but the solubility rate, means the rate of solubility, is different. Okay, now here the evaporation and distillation is used to separate solid non-volatile soluble component.
Here we have one more technique, that is crystallization. One more method, that is crystallization. So what is crystallization? As its name indicates, iske naam se hi pata chal raha hai, means crystal formation hota hai. Okay? Actually, this technique basically is used to convert impure sample of a substance into the pure one. Basically, ye jo technique hai, वो किस काम में आती है कि किसी भी सब्सटेंस के इम्प्योर सैंपल को अगर हमें प्योर में उसमें कन्वर्ट करना है देन वी कैन यूज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट. ओके, इफ वी हैव क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट आर नॉट प्योर, ओके, देन इन दैट कंडीशन वी कैन कन्वर्ट दैम प्योर फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइजेशन मैथड. सो लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ दिस मैथड. अब इसके प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, कॉपर सल्फेट जो इम्प्योर सैंपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सैंपल, इट इज डिसॉल्व इन वाटर. इसको सबसे पहले हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. ओके, हियर आई एम जस्ट राइटिंग दैट इट इज इम्प्योर सैंपल. इम्प्योर सैंपल वाटर में डिसॉल्व करके वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट मीन्स कॉपर सल्फेट का अमाउंट जो है वो तब तक इंक्रीज करते रहना चाहिए जब तक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए. व्हेन वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, देन दिस मिक्सचर इट इज टू बी फिल्टर्ड. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद इस मिक्सचर को हम फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने से क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट के सैंपल में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, उन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं. दैट इज वेरी कॉमन प्रोसेस. ओके, देन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज टू बी हीटेड. इसको हम गर्म करते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस पॉइंट दैट व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड. मीन्स किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसको वापस से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो व्हेन वी हीट दिस मिक्सचर इट बिकम्स अनसैचुरेटेड अगेन. सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये. देन वी कैन एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अब अगर ये अनसैचुरेटेड हो गया है तो हम इसमें आसानी से और कॉपर सल्फेट का अमाउंट ऐड कर सकते हैं. आफ्टर देन वी विल गेट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, देन दिस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल. सिंपल, हमने सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसे फिल्टर कर लिया, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेपरेट हो गई, उसके बाद उसको हीट किया तो हीट करने से वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया. अब जैसे ही भाई अनसैचुरेटेड हुआ तो हम उसमें और मोर, वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दैट वन. हियर व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट इज कॉपर सल्फेट. देन इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. देन द नेक्स्ट स्टेप, इट हैज अलाउड टू कूल डाउन. ओके, अब जब इसको कूल करेंगे एंड कंटिन्यूसली स्टिरिंग, विद कंटिन्यूस स्टिरिंग, देन वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट. नाउ बाय दिस प्रोसेस वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट. एंड व्हाट्स अबाउट इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज भी अभी स्टिल इसमें प्रेजेंट है. सो इम्प्योरिटीज एंड वाटर, because water soluble impurities are present only, water soluble impurities are present only in now at that time. So water soluble impurities, they remain in the solution and we get pure copper sulfate crystals. So this is the process to get a pure sample from an impure one. In the same way, if copper sulfate nahi, iske alawa we can just pure the sodium chloride also. कॉमन सॉल्ट जो है उसका भी प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से किया जा सकता है. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट इस मैटर अराउंड अस प्योर. इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. मींस हम अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दीज सेपरेशन टेक्निक्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.